ये दीवारें बनाई जा रही है यहाँ पे। स्लाइड देखिए ऊपर से कैसा होता है, ये बहुत बुरी तरह से। जयवंतर एक बहुत बढ़िया शिवलिंग है और नाग स्वरूप उसके ऊपर बैठे हुए हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है और इसमें अंदर शिला है और स्थान दिया गया है नाग देवता। हे गाइस, वेलकम बैक, कैसे हैं आप लोग। मैं विकी आचार्य आपका दोस्त और आप देख रहे हैं विकी आचार्य ब्लॉग्स। दोस्तों आज का ब्लॉग हो रहा है शाम को स्टार्ट, शाम को लगभग अभी मुझे लगता है 4 बजने को है या बज गए होंगे जी, नहीं 3:30 हो गए हैं। और 3:30 आज जल्दी फ्री हो गया था मैं अपने काम से, पूर्व गया था वहाँ पर, थोड़ा टाइम नहीं लगा, बिल्कुल ही टाइम नहीं लगा मतलब ब्लॉग बनाने का। तो अभी मैंने सोचा कि ब्लॉग क्या बनाया जाए, उस करके फ्री तो जल्दी हो गया हूँ मैं। अब मैं सोच रहा हूँ मैं जाऊँ ज़रा एक मंदिर है, खुफिया मंदिर, क्योंकि सोलंग नाला जगह है, सभी जानते होंगे वैसे आप लोग, सोलंग नाला जगह है वहाँ पर मैं जा रहा हूँ। और बीच में एक बढ़िया सा मंदिर पड़ता है, सोलंग नाला भी जाएंगे, मंदिर में भी जाएंगे और देखते हैं कहाँ कहाँ जाना होगा हमारा। अभी फ़िलहाल मैं हूँ नहरकुंड से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ जाम लगा है आगे, वन वे ट्रैफिक चला हुआ है। यहाँ पर स्लाइडिंग होती रहती है इस एरिया में, इस पूरे एरिया में स्लाइडिंग होती रहती है। हाँ तो मुझे लगता है वहाँ भी थोड़ी बहुत स्लाइडिंग हुई या पत्थर वगैरह गिरे हुए हैं कुछ एक, उनको हटाने का काम चला हुआ है, इसीलिए ट्रैफिक वन वे कर दिया गया है और थोड़ा टाइम लगेगा, लाइन लंबी होती जा रही है हमारी वाली। और बाकी ये नज़ारा देखिए आप अपर वैली का, अभी फ़िलहाल देखिए उस तरफ शनाग पूर्वा में धूप चली गई है, मझाज में भी, और कुआन साइड में धूप है अभी, और पलचान में भी धूप है, कुलंग साइड में भी धूप है, लेकिन थोड़ी देर में चली जाएगी तो इससे बेहतर होगा कि धूप चली जाए। मैं जल्दी से जल्दी, अरे मैं क्या निकलूँगा, यहाँ ट्रैफिक लगा हुआ है। वैसा गाइस ये देखिए नीचे कलकल बहती आपकी व्यास नदी जो मनाली की तरफ जा रही है और मैं ऊपर जा रहा हूँ। चलिए इंतज़ार करते हैं थोड़ा, कितनी देर यहाँ लग जाएगी कोई पता नहीं, अभी बता नहीं सकता मैं, तो इंतज़ार करते हैं, तब तक रुकते ही भी। ओके गाइज अब निकलते हैं, ट्रैफिक खुल चुका है। हमारी साइड से कम गाड़ियाँ थी लगी हुई, सामने से काफ़ी ज़्यादा गाड़ी आ रही थी। ये देखिए दीवारें बनाई जा रही है यहाँ पे, स्लाइड देखिए ऊपर से कैसा होता है, ये बहुत बुरी तरह से आता है स्लाइड। और ये मशीनरी लगी हुई है अपना काम कर रही है बढ़िया। इन रोडों को ठीक रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, यहाँ पर रोक लगी है, अब इस तरफ का ट्रैफिक रुक गया है। अगर इसी तरह से धूप धूप में मैं ऊपर पहुँचता हूँ तब तो बढ़िया हो जाएगा, ठंड भी नहीं होगी। वरना चलिए कपड़े तो मैंने लगाए हैं ठीक ठाक, ठंड तो होने नहीं वाली वैसे भी, लेकिन सिर्फ हाथ हाथ के लिए ग्लव्स भी है मेरे पास। हाँ याद आ गई मुझे, ग्लव्स हैं रखे हुए मैंने बैग में, रोड पड़ेगी तो लगा दूँगा। लेकिन ये रोड ही इतने तंग है, ये देखिए ये देखिए इस तरह से ब्रेक लगती है यहाँ पर, रोड काफ़ी तंग है, यहाँ पर पास करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पलचान से सोलंग नाला अब मुझे लगता है हार्डली 2-3 किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर के करीब, तो जल्दी पहुँच जाएंगे हम लोग। तो इसके बाद का जो रोड है काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी मज़ा आता है मुझे यहाँ से राइड करने का। थोड़ा सा आगे निकल गया था मैं, जो कि यहाँ पर मंदिर है, ये देखिए ये रहा सामने मंदिर, यहीं हम जाएंगे। देखिए आज का कितना बढ़िया हम लोगों को दिन मिला है, अभी मंदिर भी बिल्कुल खुला हुआ है, वैसे हम आते हैं तो बंद ही रहता है। जयवंतर एक बहुत बढ़िया शिवलिंग है और नाग स्वरूप उसके ऊपर बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया, जय हो। ये गाइस सोलंग नाला का जो नाग मंदिर है काफ़ी बढ़िया सा है,
और बिल्कुल हाईवे के साथ में ही है। हाँ, छोटा सा मंदिर है ये देखिए। जय हो प्रभु। इसका बताया हुआ है यहाँ पर 2000 में जो ये स्ट्रक्चर बनाया मंदिर का नया वाला, ये बनाया तो आज से लगभग 22-23 साल हो गए इसको बन के। बाकी ये भी एक स्थान है देवते का। और ये रहा आपका पूरा मंदिर, मैं पहले भी बता चुका हूँ छोटा सा मंदिर है, नाग मंदिर है यहाँ पे। और सामने मंदिर प्रांगण है और सारा कुछ नेचुरल टाइप का है, ऐसा कुछ नहीं है बनावटी कुछ नहीं है बिल्कुल। ये देखिए घास का मैदान है पूरा। और यहाँ पर ये सामने क्या है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर के कामों के लिए बनाए गए हुए हैं ये घर, कुछ स्टोर रूम, कुछ मढ़ार जैसे हमारे होते हैं, या कोई सराय वगैरह शायद वैसा हो सकता है ये। अभी उस तरफ अभी भी धूप है, हमारी तरफ वशिष्ठ की तरफ अभी भी धूप है। और सोलंग नाला अभी थोड़ा सा दूर है, यहाँ से हल्का हल्का दिख रहा है आपका रोप वे सोलंग नाला का। अब यहाँ से नहीं बता पाऊँगा मैं आपको, क्योंकि मुझे खुद नहीं दिख रहा कहाँ पर है, तो हल्का हल्का सा रोप वे दिख रहा है और ट्रॉलियाँ चली हुई है। चलिए अब हम चलते हैं आगे, बढ़ते हैं सोलंग नाला की तरफ, अगर कुछ हुआ वहाँ देखने लायक तो देख लेंगे बढ़िया सा। दोस्तों मैंने देखा है कई जगह कई फिल्मों में, जो ये एरिया है इसको कश्मीर कहा जाता है, यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग हुई है, बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती रहती है अभी भी होती है। और इसको दिखाया जाता है कश्मीर क्योंकि यहाँ की ब्यूटी कुछ इतनी बढ़िया है, अच्छी है, इसको कश्मीर कह के दिखाया जाता है। लेकिन जो मनाली के लोग हैं वो तो जानते हैं जगह मनाली की है और कौन सी कश्मीर की है। कश्मीर तो लाखों में है के जन्नत है, लेकिन हमारा मनाली भी कम नहीं है गाइस। तो अब मिलते हैं आपसे, सोलंग नाला पहुंच गई, तब तक के लिए गोप्रो ऑफ कर देता हूँ मैं, इसमें बैटरी भी कम ही है। दोस्तों ये रोबे है सोलंग नाला का, और इसके साथ ही एक नाग मंदिर और है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। जय हो, ये रहा देखिए यहाँ पर नाग देवता जी का मंदिर। ये भी छोटा सा मंदिर है, ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है। और इसमें अंदर शिला है और स्थान दिया गया है नाग देवता जी को। जय हो प्रभु, जय हो। ये देखिए छोटा सा मंदिर है और इसके सामने ये है आपका सोलंग नाला का ग्राउंड, और मंदिर के दूसरी तरफ है इसकी हिमालयन का रोप वे। अभी ट्रॉलियाँ दिख नहीं रही यहाँ से, लेकिन वहाँ ऊपर दिख रही है, वो रही ट्रॉलियाँ ये देखिए, और वो ऊपर को जा रही है। और ये देखिए दोस्तों, ये है ग्लाइडर्स, ग्लाइडर के बैग हैं बड़े बड़े। अब जैसे जैसे इनकी बारी आती जाएगी वैसे ही उस ढलान पे चढ़ेंगे ऊपर और वहाँ से टेक ऑफ करेंगे और दोबारा से आके यहीं इस ग्राउंड में उतरेंगे। वो वाले बैग्स भी देखिए, ये भी ग्लाइडर है, और ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ स्टोर रखा हुआ है, जैसे स्कीइंग दिख रही है बहुत सारी, तो उन्हीं का स्टोर है ये, आप यहाँ से खरीद सकते हैं किराए पे ले सकते हैं। अब जैसे जैसे शाम हो जाती है तो ऊपर से फ्लाइज भी कम हो जाती है क्योंकि ठंडा हो जाता है, और हवा में उड़ते उड़ते और ज़्यादा ठंड होती है, इसीलिए अब उड़ना ही बंद हो गया। जब से मैं आया हूँ सिर्फ एक ही ग्लाइडर उड़ा है, वो भी एक बच्चा था। तैयारियां तो चली है, ऊपर देखते हैं, थोड़ी देर और इंतज़ार कर लेंगे।
पलचान पहुँचते पहुँचते जो बड़ा पुल है, नया पुल है, उसके साथ ही एक और मंदिर है। यहाँ पर छोटा सा मंदिर दिख रहा होगा आपको, ये शिव मंदिर है। इसकी वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूँ एक। और बाहर से तो सिंपल सा देखने को है मंदिर, लेकिन जब अंदर जाएंगे आप लोग दोस्तों तो आप सच में परेशान हो जाएंगे। ऐसा अद्भुत सा अंदर इसके जो दर्शन है, ऐसे प्राकृतिक से दर्शन है इसके। अब क्या बताऊँ मैं आपको, आप खुद आएंगे तो आपको पता चलेगा इतना बढ़िया मंदिर है। आइए कभी। जो पुराना पुल है वहीं से, जो पुराना पुल ये वाला पुल है, यहीं से एक रास्ता जाता पतला सा मंदिर को। तो ये कहाँ पर है, ये पलचान में ही है, आपको पता चल जाएगा। पुराना पुल उसके साथ में ही है। अभी मैं हाईवे से घर वापस नहीं जा रहा हूँ, मनाली नहीं जा रहा हूँ मैं, पहले मनाली जाऊँगा। मैं जा रहा हूँ, मैं पलचान होकर आया हूँ, बाया बुरुआ होकर, कौशाल शनाग होकर मनाली जा रहा हूँ मैं। और बीच में मैं गौशाल के पास रुक गया हूँ। गौशाल गांव, ये रहा नीचे गौशाल गांव। काफ़ी बड़ा सा गांव है, बढ़िया सा गांव है। और इसके ठीक सामने है बहांग एरिया, और वहाँ पर है गाइस जोगनी का जो विशिष्ट वाटरफॉल है, जोगनी फॉल वो। और यहाँ पर पेड़ के पीछे दिख रहा होगा आपको हल्का हल्का सा, ये वशिष्ठ गांव है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ से होकर जा रहा हूँ। बाकी जो जो बीच में आता रहेगा चीज़ें मैं आपको दिखाता रहूँगा। यहाँ से ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता, मैं इसीलिए यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मनाली जाना था। और उस तरफ पलचान में ही मुझे ट्रैफिक मिल गया था, और हैवी वाला ट्रैफिक मिल गया था, तो मुझे लगा कि इस साइड ज़्यादा ट्रैफिक हो सकता है। हालांकि मुझे इस तरफ भी ट्रैफिक मिलेगा ओल्ड मनाली पहुँच के, लेकिन चलिए थोड़ा सा ट्रैफिक वहाँ मिलेगा मुझे, इस टाइम मैं क्रॉस कर सकता हूँ। लेकिन शाम का ट्रैफिक बहुत बुरा लगता है वहाँ पे, इसलिए मैं अभी निकल रहा हूँ वहाँ से, और जल्दी से जल्दी वहाँ से क्रॉस करने की कोशिश करूँगा अभी मैं। और इसी रोड पे बना हुआ है ये नेचर पार्क, जो गौशाल से थोड़ा सा नीचे है। इसको ये एरिया वैसे ओल्ड मनाली वालों का है, मनाली वालों का, तो मनाली बिहाल बोलते हैं यहाँ पे। और इसके ठीक सामने ऊपर है वशिष्ठ गांव, वशिष्ठ के ठीक सामने बना हुआ है ये नेचर पार्क, और बहुत ही बढ़िया नेचर पार्क बना है गाइस ये। आमतौर पर हम नेचर पार्क में देखते हैं कि वहाँ कंस्ट्रक्शन काफ़ी हो जाती है, पार्क बनाने के चक्कर में काफ़ी कुछ कंस्ट्रक्शन बना करते हैं, जिससे वो पार्क अजीब से बनते हैं। लेकिन जो ये वाला पार्क है ये पूरा नेचर के बहुत करीब है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, झील है, और ऐसी झील नहीं है कि वही बनाई गई है, ये ऐसा लगता है नेचुरल ही है। और सिर्फ बीच में एक रास्ता बनाया गया है, बाकी कोई इसमें चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन तो हुआ है, जैसे कि वो सामने एक ये क्या बोले स्टेडियम सा है, छोटा सा स्टेज सा बना हुआ है। बाकी मुझे नहीं लगता ज़्यादा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हुई है। बाकी नेचर है, पेड़ है, देखिए पत्थर है, नेचुरल है, सब कुछ नेचुरल है, बहुत बढ़िया, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और मुझे लगता है अभी थोड़ा काम बाकी है यहाँ पे। बाकी कभी आएंगे यहाँ पर बीवी बच्चों को लेकर, तब देखेंगे। तो थोड़ा सा नीचे आकर हम रुक गए हैं, और वहाँ पर एक और हॉट एयर बलून जल रहा है और अपनी फ्लाइटें ले रहा है। ये दूसरा है गाइस, जो कल मैंने दिखाया था वो ऊपर था, और ये नीचे है। यहाँ पर पहले भी हॉट एयर बलून उड़ा करता था, अभी भी उड़ रहा है। और ये भी वशिष्ठ से थोड़ा सा ही नीचे है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ भी मज़े ले सकते हैं आप हॉट एयर बलून के। और उस तरफ आप ट्रैफिक देखिए कितना चला हुआ है, इसीलिए मैं वहाँ से नहीं आया। तो अभी तो पहुँच गया हूँ मैं माल रोड मनाली में, घूमते फिरते थोड़ा बहुत जो कल मैंने बताया था वही काम है, और शॉपिंग वगैरह थोड़ी बहुत अभी करते हैं और घूमते माल रोड मनाली। मनाली में थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद मैं निकल पड़ा घर की तरफ, और वशिष्ठ पहुंचते ही ये रहा वशिष्ठ का थोड़ा सा रात्रि दृश्य। अभी भी काफ़ी टूरिस्ट यहां पर आ रहे हैं और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है।
आज के ब्लॉग में बस इतना ही गाइज। अब डेली रूटीन करते हैं, ईवा को नहला देते हैं। आपको ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए मेरे वीडियोस की। ओके, अब मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। अब तक के लिए गुड बाय।